चलिए, हेलो एवरीवन। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टॉपर, वन ऑफ आवर बेच लाइव स्टूडेंट भावना से। ठीक है, उन्होंने आईटी जैम को क्वालिफाई किया है बायोटेक्नोलॉजी, राइट? तो लेट्स टॉक टू द भावना फर्स्ट। हेलो भावना, हाउ आर यू? फाइन सर। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सारे ऑडियंस को। ओके, आई एम भावना के। आई हैव कंप्लीटेड बीएससी एंड आई हैव रिटन बायोटेक्नोलॉजी फॉर जैम पेपर एंड आई एम फ्रॉम केरला। ओके, यू आर फ्रॉम केरला? या केरला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भावना। एक बार अपना स्कोर बताइए सभी को, ऑल इंडिया रैंक एंड स्कोर। आपके मुंह से जानेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, राइट? माय स्कोर इज 75 एंड आई हैव सिक्योर्ड आईएएन ऑफ 42 रैंक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम आईएफएस दैट यू स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 100 और ऑल इंडिया रैंक आपके आई है 42, राइट? हाउ इज योर फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं? ग्रेटफुल फीलिंग, मतलब लग रहा होगा ना अंदर से कि अभी बहुत टाइम के बाद, मतलब एक, क्योंकि कोई भी पेरेंट होता है हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करता है एक साल तक, तब जाके एक बार ये एग्जाम आती है और उसमें क्वालिफाई हो जाए और विद ऑल इंडिया रैंक 42। तो इट्स अ टफ, राइट? एग्जाम बहुत टफ है, आप स्टिल आपने इतनी मेहनत की, तो आपको कैसा लग रहा है? आप Actually, I'm just grateful that I got this. What I really mean, like, मेरे लिए हमेशा ऐसा था कि hard work करते रहो, पर never think of the result, and it will always be best. Like, whatever happens, happens for good, and it should be. If the best will come, the best outcome will come. You just do the hard work. That's it. Okay, भावना, मुझे एक बात बताइए, आपको इतने दिन तक, पूरे एक साल तक हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के बाद भी आपने करती रही तैयारी, व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको ऐसी किस चीज़ से इतनी मोटिवेशन मिलती थी ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि आईटी जैम बेटी का एग्जाम कोई इजी एग्जाम नहीं है, साल में एक बार होता है और आईआईटीज में जाने का मौका मिलता है, राइट? तो इसके लिए कहाँ से मोटिवेशन मिलता था आपको इतना, ताकि हमारे ऑडियंस, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो है ना अपकमिंग बैचेस में हैं या फिर अपकमिंग कभी आईआईटी जैम की तैयारी करने लगेंगे तो उनको मोटिवेशन मिल सके, राइट? या आई रियली लाइक टू नो मोर अबाउट डीएनए फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। आई वाज रियली क्यूरियस टू नो अबाउट इट। सो इन ऑर्डर टू गेट अ मोर थोड़ा और the college which I have been, I never got that opportunity to deal with it, with my maybe labs, doing the labs. I never got that. So I prefer, like, even in IAC or an IIT, it would be more, we can do better in labs. Okay. हाँ, सभी को, वैसे भी सभी जितने भी हमारे एस्पायरेंट यदि देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, तो उनको डेफिनेटली सभी को जाने का मन होता है कि हम आईटीज में जाए, एक्सप्लोर करें, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर अलग ही महसूस होता है, डेफिनेटली। चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ योर रोल मॉडल एक्चुअली, मतलब जिसको देख के लगता है, जैसे कि किसी के पापा होते हैं, किसी की मम्मा होती है, किसी के टीचर्स होते हैं, आपको, आपके कौन रोल मॉडल है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? माय मदर। योर मदर? Yeah. आप तो प्राउड फील होता होगा उनको? Yeah. आपने ऑल इंडिया रैंक 42, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट को मात देकर आपने ऑल इंडिया रैंक 42 अचीव की है, ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, मतलब जितने भी आपके बाद जो आपके जूनियर होंगे उनको क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो पहले हम आपके स्ट्रगल की बात करते हैं, चलिए, आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़े होंगे ड्यूरिंग योर स्टडी? मैथमेटिक्स वाज नॉट इन माय हैंड एक्चुअली ड्यूरिंग एज अ बाय स्टूडेंट एवरीवन, मैथमेटिक्स तो थोड़ा सा दिक्कत करते ही है, राइट राइट, या बट इट वाज लाइक आई कैन डू मैथ्स बट आई डोंट लव इट, सो आई एम अ पर्सन हु कैन ओनली डू थिंग्स व्हिच आई लव। ओके, सो इट वाज लाइक वो मुझे वो मैथ्स करने के लिए बैठने के लिए वो
माइंड प्रिपेयर करना पड़ता था थोड़ा कि मेंटली हाँ प्रिपेयर्ड। ये या आई हैव टू डू दिस या दैट्स इट. एंड फिजिक्स फॉर एवरीवन इट्स लाइक इफ मैथ्स इज नॉट गुड फिजिक्स इज समव्हाट ओके ओके या फिजिक्स आल्सो दैट वो समटाइम बट या और दैट्स इट. मैं एक बात सभी को बोलना चाहूंगा, जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, मैं उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आपने अभी सुना भावना को, भावना ने मैथ्स सभी को डिफिकल्ट लगता है और आपको भी लगता होगा। पहले मैथ्स के लिए बैठने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, ये उन्होंने खुद कहा है, ठीक है। बट उन्होंने एक बात जरूर कही है कि वो मेंटली प्रिपेयर होकर पर बैठती जरूर थी पढ़ने के लिए, उन्होंने कभी मैथ्स को छोड़ा नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं IFS में आपको क्वालिफाई करना, तो ठीक है आप बायोलॉजी पढ़कर आपने क्वालिफाई कर लिया, बट आपको एक अच्छी रैंक से पास करना है, तो आपको अच्छी रैंक से क्वालिफाई होना है, तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी और मैथ्स भी पढ़नी होगी। और ये इसका एक एग्जाम्पल है भावना, राइट? आपने मैथ्स को पढ़ा, ठीक है, सबको लगता है मैथ्स डिफिकल्ट है, बट स्टिल आपने मेहनत की और देखिए आपकी रैंक 42 आई है, राइट? तो आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब PCMB सभी आते हैं IIT JEE में, तो आप हमारे ऑडियंस यानी कि आपके जो जूनियर होंगे आपसे, उनको क्या बोलना चाहेंगे, आप कैसे वो तैयारी करें, उनका क्या टाइमिंग रहना चाहिए, या उनके अकॉर्डिंगली कैसे वो करें, आपके एक अचीवमेंट के बारे में मतलब उनको पता चले, ताकि आपके मुंह से सुनेंगे वो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स व्हाई यू गॉट ना ऑल इंडिया रैंक 42। इट वाज लाइक आई जस्ट प्रिपेयर्ड माय माइंड लाइक आई वुड स्टडी फॉर 8 to 10 hours डेली. ओके, 8 to 10 hours डेली, या सुन रहे हो आप लोग, व्हाटएवर टू बी, टेन आवर्स डेली, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, whatever be the cause, like there would be days like we don't feel like okay aaj padhna padhne ka man nahi hai, aise days hote hain har kisi ko, we are humans, but it's like consistency is more important than completely like ek din mein 15 12 hours you can't do it, so if you do 8 hours in every day that consistency you have to keep it, and uske liye like you have to mentally prepare. ओके, तो फर्स्ट, एक सेकंड भावना, मैं आपको बाकी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट उन्होंने 8 to 10 hours की पढ़ाई की है, सेकंड है कंसिस्टेंसी, व्हाट मैटर्स द मोस्ट दैट इज कंसिस्टेंसी। उन्होंने हार्ड वर्क किया वो भी ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ किया है, राइट? कुछ लोग ऐसे हमारे एस्पायरेंट है बहुत सारे, वो ये सोचते हैं कि जब IIT JEE के एग्जाम आ जाएगी 1 or 2 months बिफोर मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और मैं अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ूंगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता, आपको तैयारी पहले ही स्टार्ट करनी होती है। और कभी आपका मन होता है कि आपको नहीं पढ़ना है, आप एटलीस्ट 1 to 2 hours, 4 hours या फिर जितना भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, पर पढ़े जरूर, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, राइट भावना? ओके, और कुछ आप बोल रही थी, बोलिए। जस्ट कंप्लीटली डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नेवर स्किप एनी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ, नेवर स्किप एनीथिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट की रिविजन, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, IFS में भी बोलता है आपको हमेशा कि रिविजन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, राइट भावना? और ये आपके सामने अनदर प्रूफ है उस बात का, ठीक है। तो 3 points आपको याद रखना है, मैं आपको पॉइंट गिनवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे लास्ट तक, ठीक है भावना, बताइए। और एंड इफ वी आर वी हैव अवे फ्रॉम 1 month, the exam is every 1 month, then you have to do that question papers within 3 hours. You have to prepare that within the time limit. Okay. So, time limit के साथ करना पड़ता है। तो ये time limit के साथ इसलिए कर दीजिए, जैसे कि mock test लगा सकते हैं आप, time limits के साथ करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको time manage हो पाए exam के timing में, right? 3 hours का exam है तो आपको ऐसा ही पहले कर कर देखना होगा, है ना? First you need to practice first ना, तभी तो आप मेन एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पाओगे। आप एग्जाम के दिन ही जाकर प्रैक्टिस करने लगोगे, नहीं 3 hours में अभी यहाँ के फर्स्ट टाइम में पेपर देकर देखता हूँ, तो ऐसा नहीं होता, यू नीड टू प्रैक्टिस फर्स्ट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी एक टाइम मैनेज करके, राइट? ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया। और कुछ आपके बोल से बोलना चाहेंगे आप, कुछ एड ऑन? रिवाइज इट एटलीस्ट वन टाइम, यू शुड रिवाइज एवरीथिंग before the exam, one time revision is everything, then you can practice the question papers, but revision is very important. तो fifth point वो बोल रही हैं, revision is must, ठीक है? तो revision होना चाहिए, और ये बात सही भी, वो उन्होंने बोला है revision, कुछ हमारे aspirant, कुछ student इसको ऐसा ले लेंगे कि मुझे एक ही बार पढ़ना है, आपको एक बार नहीं पढ़ना, उन्होंने बोला है revise,
रिवीजन, ठीक है, उन्होंने पढ़ा है जो, ठीक है, लास्ट में एक बार और एक फाइनल टच दिया था, राइट, तो वो या करना जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, सभी एस्पायरेंट को वो ये करे जरूर, क्योंकि उन्होंने जो जो पॉइंट बताए हैं आपको डेली के डेली आपको 8 to 10 hours देना है, पर आपको लगता है कि अभी आप स्टार्टिंग में 6 hours ही दे पाएंगे तो आप वो कर सकते हैं, राइट भावना, और धीरे धीरे यस अपने आवर्स बढ़ाते जाइए, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है, और थर्ड है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, किसी दिन मन ना भी लगे तो कम से कम एटलीस्ट 2 hours तो पढ़ाई करिए, 2 घंटे ही पढ़िए आप तो वो भी करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मस्ट होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, और ये विद इन टाइम लिमिट में हो। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, तो इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है, एक नॉर्मल है, बट लास्ट में धीरे धीरे जब एग्जाम करीब आ जाए तो आपको विद इन टाइम लिमिट जो कि 3 hours की होती है, उस टाइम बीइंग में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब भावना, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने IFS को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है, पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट, ठीक है, बताइए। I came across this platform through the YouTube channel थ्रू यूट्यूब चैनल, while I was in my last year BSc, ओके, and I found it somewhat they were teaching things nearly point wise, like क्लियरली पॉइंट थोड़ा वाइज, the exam point of view के हिसाब से ही कर रहे थे वो सारे, so I ओके, got I thought like I should attend it, like आप ज्वाइन अच्छा करना चाहिए मुझे. अच्छा यू एंजॉय अलॉट, ओके ओके ओके, तो अब तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया है, आपने यूट्यूब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऐसे कई सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने यूट्यूब से की थी, हमें आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे स्वेट पीजी भी दिया है, IIT जैम का एग्जाम दिया है, गैट बी का होने वाला है, ठीक है, तो गैट बी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले आपके इस वीडियो से उनको, जैसे कि एग्जाम है आपने IIT का दिया है, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब चीजें उनके लिए भी मैटर करती है ना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो वो भी है, दोनों ही MSc एंट्रेंस एग्जाम है, तो उनके लिए थोड़ी सी बात क्या बोलना चाहेंगे आप। Never give up. Last नेवर time गिव moment अप, में, I have seen many people like end जब आता है तब वो give up हो जाता है कि हम अब मुझसे नहीं होगा, ये कभी नहीं होना चाहिए. Like never give up. Maybe the last time you have, maybe the last question you had, you did preparation wise, maybe that would be the one, like that would be the change point that will make you give crack the rank or something. ओके ओके भावना, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच सिलेबस हैव यू कंप्लीटेड ऑफ IIT जैम BT, जितना IFS ने दिया है पूरा किया है मैंने जितना IFS ने कंप्लीट. दिया है उतना आपने किया है, एक्चुअली सिलेबस वाइज कंप्लीटली कवर किया है IFS ने, मैंने वो पूरा किया है, रिवीजन भी ओके किया है. ओके, तो IFS ने कंप्लीट ही दिया है डियर ऑडियंस, ठीक है, और या उन्होंने किया है, और इसी वजह से उनके रैंक 42 आई है, ऑल इंडिया रैंक 42, ठीक है, 75 marks लेकर आना, ये एक ग्रेट अचीवमेंट है मैं कहूँगा, और इन्होंने बहुत मेहनत के साथ किया है, अपना टाइम दिया है, इतना सब कुछ करने के बाद आप भी करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टिंग में भावना, एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट होगा ये, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग में जब आपको पहली बार मोटिवेशन मिला, आपने IFS को देखा पहली बार, आपने क्या सोचा कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा ये एग्जाम, इसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है और मैथ्स भी आता है, ठीक है, तो ये मुझे करना चाहिए, आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आया था, मतलब वुड यू थॉट फर्स्ट। आई थिंक लाइक सर, सेल्फ डाउटिंग इज समथिंग ह्यूमन नेचर, लाइक सेल्फ कभी ना डाउटिंग इज कभी अ सेल्फ ह्यूमन नेचर, डाउटिंग हो करेक्ट, जाता है. बट जब भी वो नेगेटिव में जाती थी, मैं हमेशा वो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव और दे के जाती थी कि या आई कैन डू टू मोर पॉजिटिव देन दिस, सो आई कंप्लीट दैट ग्राफ, हमेशा पॉजिटिव की तरह ही रखा है मैंने. ओके, तो देखा आप लोगों ने, ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि नेगेटिव की तरफ, ठीक है, अरे तो आपको भी वैसे ही देना है, और ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए एक टॉपर का, ठीक है, तो आपने ये इंटरव्यू देखा, ठीक है, थैंक यू भावना फॉर इंस्पायरिंग ऑल द स्टूडेंट, ये आपके थ्रू इंस्पायर हुए हैं, हमारा काम है, देखिए हम तो डेली बेसिस पे इनको इंस्पिरेशन देते हैं, हम डेली मोटिवेट करते हैं इनको, बट कोई एक स्टूडेंट, ठीक है, जो एक टॉपर बनकर आता है वो मोटिवेट अलग लेवल का होते हैं बच्चे जितने भी हमारे, ठीक है, तो थैंक यू सो मच भावना, और थैंक यू.
जितने भी एस्पायरेंट जो हमारे क्वालिफाई हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट भावना, ठीक है ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और ध्यान रखिए, है ना, भावना जैसे ऐसे कितने सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने हमारा आईटी जैम बीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है विथ ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, विथ बेटर रैंक। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, इंटरव्यू को जरूर देखा होगा, बस इससे सिर्फ सुनकर नहीं जाना है, आपको ऐसा फॉलो भी करना है, क्योंकि फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही, ठीक है, भावना ने भी पहले कभी इंटरव्यू किसी का देखा होगा तो शायद उन्होंने, नहीं तो उनका अपना ओपिनियन तो उन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली बताया है, ठीक है। तो आपको भी फॉलो जरूर करना है, ठीक है, सिर्फ सुनकर रहने से कुछ नहीं होता, फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू भावना फॉर दिस इंटरव्यू, ठीक है, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग भावना। आगे से आपका आई होप अच्छी IITs में आपका एडमिशन हो, ठीक है, और डेफिनेटली होगा, राइट, चलिए बाय।